देखते हैं। आइसक्रीम अच्छी लगती है। अलग अलग काम में जुटे लोगों से मिलना, मिलकर उनकी समस्याओं को समझना, लंबे वक्त से राहुल गांधी ऐसा करते आ रहे हैं। कभी मोटर मैकेनिक, कभी कारपेंटर, तो कभी किसान, और हाल फिलहाल में जूता बनाने वाले से मिले। अब राहुल गांधी ने एक कैब ड्राइवर से मुलाकात की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसके लिए राहुल गांधी ने आम लोगों की तरह उबर से खुद ही अपनी राइड बुक की, जिसके बाद उबर की गाड़ी उनके डेस्टिनेशन पर पहुंची, फिर कैब में राहुल गांधी का सफर शुरू हुआ। सर, इसका कोई वो नहीं है, कुछ भी हो सकता है। 12-12 दो दो दिन हो जाते इसी में ही पड़ा रहता हूँ। पहले वही रेट 30 रुपए CNG थी, तब भी गाड़ी यही रेट चलती थी, वो आज 90-95 हो गए, वही रेट आज। टैक्सी वालों कोई वैल्यू नहीं करता है। जहाँ गाड़ी कोई नहीं जाती है, वहाँ ओला उबर जाती है, चाहे दंदल हो, तालाब हो, कितना भी पानी कल यहाँ तक बोनट तक पानी था, लेकिन कस्टमर उतरा नहीं। मुझे तो वहीं छोड़ो। 11-12 में बहुत बढ़िया काम चला। सफर के दौरान बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ तो राहुल गांधी ने कैब ड्राइवर के घर परिवार की जानकारी लेने के बाद उनके परेशानियों पर बातचीत की, कितना इनकम, कितनी खर्च का ब्यौरा लिया, साथ में हालात में बदलाव का सुझाव भी मांगा। ये लोग अमीर होते जा रहे हैं और लार्ज और जो बड़ा मैस है, अब 90% लोग हैं वो नीचे जाते जा रहे हैं। बस वही चल रहा है, वही सिस्टम चल रहा है। राजस्थान में हम एक कानून लाए थे, हमारी जब सरकार थी, आपकी सरकार थी, तो हम कानून लाए थे कि जो भी उबर चलाता है या डिलीवरी करता है, हर ट्रांजैक्शन में उसके लिए थोड़ा सा पैसा पेंशन के लिए कटेगा। तो आपने मान लो आपने राइड की, हर राइड के लिए कंपनी को थोड़ा सा पैसा आपके पेंशन के लिए अलग रखना पड़ेगा, जो आपको बाद में मिलेगा। राइड पूरी होने के बाद राहुल गांधी ने कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय को उनके बच्चों के लिए गिफ्ट देकर विदा किया, जिसके बाद कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय ने राहुल गांधी के साथ सफर का अपना अनुभव भी शेयर किया। मेरे पास ऑनलाइन बुकिंग आई थी तो मुझे बहुत ही अजीब सा लगा कि राहुल गांधी जी मेरी गाड़ी में, वो भी टैक्सी में कैसे जा सकते हैं। बड़ा ये बात सुन के काफी देर तक तो मजाक सा लगा मेरे को कि ऐसे कैसे हो सकता है। बड़ा अच्छा लगा उनसे मिलके, खुले दिल से बात हुई, वो कोई बेझिझक जो उन्होंने पूछा, मैंने अपना पूरा दास्तान उनको। इसके बाद राहुल गांधी ने कैब ड्राइवर सुनील उपाध्याय और उनके पूरे परिवार को मिलने बुलाया। राहुल गांधी से आमने सामने मिलना पूरे परिवार के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं था। पूरी हो रही है इसके बारे में, ये आपको लगता है ये परमानेंट नहीं है, मतलब ये टेंपरेरी करता है? परमानेंट है, लेकिन डेवलपमेंट इतना कहाँ है भैया, मतलब वही के वही है, उतना ही है, मतलब खा लिया, उसके बाद में अगर बच्चे का फ्यूचर नहीं बना तो दिल्ली रहने का क्या मतलब है, इससे अच्छा तो घर था। कल से परेशानी, सुबह जल्दी उठ के बोली कि सबसे मिलने जाना है, जल्दी रेडी हो जाओ तुरंत सुबह। हम लोग अभी बोल रही है, फिर नहीं बोलेगी इतना। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।